डिलीवरी बॉय ने पकड़ा एक शातिर चोर। शिवपुरी में चोरों द्वारा दिन दहाड़े चोरी का नायाब तरीका इख्तियार किया। चोर आते हैं और चोरी भी कर ले जाते हैं और देखने वालों को जरा भी एहसास नहीं होता कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जहां शिवपुरी में इन दिनों कुछ शातिर चोरों की वजह से गैस सिलेंडर की वितरण व्यवस्था में लगे महज 5,000 रुपए की तनख्वाह पर कार्य करने वाले डिलीवरी बॉय अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाने को मजबूर हैं। बता दें, इन दिनों शिवपुरी में कुछ शातिर चोर गैस डिलीवरी वाहनों को अपना निशाना बना रहे थे। डिलीवरी के दौरान जब डिलीवरी बॉय गैस सिलेंडर को घर पहुंचाता है, इसी बीच शातिर चोर वाहन में लदे सिलेंडर को चोरी कर लेते थे और किसी को पता भी नहीं लगता था। हालांकि काफी दिनों से परेशान गैस डिलीवरी बॉय ने बीते रोज एक चोर को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। चोरों के गैंग के एक सदस्य को सिलेंडर चोरी करते हुए पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब सभी डिलीवरी बॉय पुलिस से आस लगाए बैठे हैं कि पुलिस अब इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेगी और पूर्व में चोरी किए गए सिलेंडर उन्हें वापस मिल जाएंगे। वहीं इस मामले में फिजिकल थाना प्रभारी अंकित उपाध्याय का कहना है, सिलेंडर चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। क्या नाम? मेरा नाम विजय रजक। क्या करते हो? गाड़ी चलाता हूँ भारत गैस पे। भारत गैस पे ये चोर यहाँ पकड़ा था, क्या पूरा मामला है? उसकी गाड़ी थी, क्या नाम है? मोहनलाल पाल की गाड़ी खड़ी थी, ईश्वर इंडिया वालों की। ईश्वर इंडिया वाले की गाड़ी खड़ी थी, मैं इधर से जा रहा था रस्ते में, गाड़ी मेरी खड़ी थी रस्ते में, मेरी गाड़ी खड़ी थी, उनकी भी खड़ी थी। 2 बाइक वाले आए थे, उनने बाइक रोका और बाइक रोक के उनने हल्की तुरंत सिलेंडर खींचा गाड़ी में से, वो निकाल के वो चल दिया। आगे आगे मैंने उनसे पूछा, मैंने कि सिलेंडर कहाँ से ले जा रहे हो, कोई हमारा है? मैंने कि रुको, तुम्हारा है तो मैं इस बारे में पूछता हूँ उससे। मैंने उससे पूछा था तो उसने कुछ नहीं जवाब दिया, बोले हमारा इसका है इसका, उस कहने लगे। बस मैंने उनको जाने नहीं दिया, वहाँ पकड़ लिया, थाने में लेके आए थे। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे, ना थानेदार सुनने की मांग कर रहे हैं, मतलब हमारे सब लोग कोई सुन ही नहीं रहे। वो व्यक्ति है कहाँ? एक थाने में है, एक भज गया, मतलब कर ली, भाग गया। दोनों को पकड़ के लाए थे? दोनों एक नहीं, पकड़ के एक लाए थे, भज गया था कल ही। अच्छा। और एक को पकड़ लिया था तो एक है उसमें ताने बंद अभी। अरे सिलेंडर चोर 2 पकड़े हैं, कैसे पकड़े और कितनी वारदात है इन्हें अभी तक करी? एक्चुअली आज सुबह मुझे किसी सिविल का फ़ोन आया था मेरे मोबाइल पे कि एक सिलेंडर चोर पकड़ा है उन लोगों ने, और जो कि क्या है कि गाड़ी जो होकर से जो रहते हैं घर, जो होम डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी करने वाले जो गाड़ी से लेके जाते हैं और सिलेंडर देते हैं, वहाँ से कोई बाइक से आते हैं 2 बंदे और उनका सिलेंडर उठा के और चोरी कर ले जाते हैं। इस टाइप से उन्होंने मेरे को फ़ोन से बताया, और उनमें से एक बंदा उन लोगों ने पकड़ लिया था, उसको लेके वो थाने आए थे। तो थाने आने पर उन लोगों को जो है मैंने टेलीफोन से थाने पर सूचना दे दी थी कि जो जिसको लेके आए उसके ख़िलाफ़ FIR पंजीबद्ध करें, और अगर उसकी अन्य कोई साथी हैं तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। फिर मैं थाने पहुंचा, थाने आने पर पूछताछ की तो उसने बताया कि एक अभिषेक पांडे और साथ में था लड़का जो कि वहाँ से भाग गया था, उसको भी अब पुलिस ने पकड़ लिया है और उनके खिलाफ 389 का मामला कायम कर लिया है। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं क्योंकि सिलेंडर चोरी करते थे होकर्स जो गाड़ी ले जाते हैं उनसे। हाँ, एक सिलेंडर उनसे बरामद हो गया जो आज चोरी ले करके ले गए थे, वो एक सिलेंडर बरामद हो गया, बाकी पूछताछ की जा रही है, हो सकता है कि आगे भी इनके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो। खबर भारतवर्ष के लिए शिवपुरी से कपिल धाकड़ की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।